मावा बर्फी, कीवी का हलवा और रस। हाय गाइस, हाउ आर यू, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, तो आज मैं और दर्पण कहाँ गई, तो हम दोनों घुमाने वाले हैं। एक ग्रुप आया है बॉम्बे से 32 पर्सन का, सुबह में दादर एक्सप्रेस में ही वो लोग आए थे। तो बस पूरा पैकेज मैंने ही किया है 2 नाइट 3 डेज का। तो डे वन हम घूमने वाले हैं वडोदरा सिटी, हमारी जो वडोदरा सिटी है वो घुमाने वाली हूँ, और दूसरे और तीसरे दिन हम जाने वाले स्टैचू ऑफ यूनिटी, पोईचा, सभी कुछ इस पैकेज में मैंने कवर किया है। तो पैकेज कितने का है, क्या क्या घुमाने वाले हूँ, पूरा व्लॉग देखिए आपको पता चल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, सब रेडी? रेडी ओके। मैं तो गई, तो अभी हम पहुंच गए लक्ष्मी विलास पैलेस। तो दर्पण ग्रुप को लेके आ रही है, मैं ले रही हूँ टिकट। यहाँ का टिकट है 250 रुपीस पर पर्सन का लक्ष्मी विलास पैलेस घूमने का। तो ये है टिकट काउंटर, हम पहुँच गए हैं, देख लो, इंडियन 250, फॉरेनर 525। तो हमारी टिकट आ चुकी है, पहुँच गए हम लक्ष्मी विलास पैलेस में। टिकट अभी यहाँ से स्कैन होगी और यहाँ से हमारी अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, अंदर नहीं है। जनक भाई, आज अपने आपको लक्ष्मी विलास पैलेस बताना है, बट हिंदी में, बदन हिंदी को आपको सबको मेरी तरफ से नमस्कार है। नमस्कार, आप जहाँ से भी आए हो, आप उसी गांव का नाम क्या है? मुंबई। मुंबई मुंबई से है, बड़ा गांव है भी। और हम लोग मराठी है सब। कोई बात नहीं, हमारे राज्य सब मैं समझा दूंगा आपको। देखो, अभी ये जो बड़ोड़ा सिटी है, ये एडोप्टेड कंपनी का नाम था लक्ष्मीबाई, इसके ऊपर से पैलेस का नाम रखा है लक्ष्मी विलास पैलेस। सयाजी राव, जब मराठी लोग हैं आप में दो नाम होते हैं, लेडीज का शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है। इनका घर का नाम है चिमनाबाई, यहाँ आने के बाद लक्ष्मीबाई हो गया है। तो सयाजी राव महाराज ने पैलेस का नाम रखा, उनके नाम के ऊपर से लक्ष्मी विलास पैलेस। तो गाइस देख लो, यहाँ से पूरा पैलेस, वाओ बहुत प्यारा। बैक साइड से आगे की साइड में आए पैलेस के सामने, देखिए आप, आपका यहां से वाओ। ये राजीव परिवार के तीन पैलेस हैं, मकरपुरा पैलेस, प्रताप पैलेस, लक्ष्मी विलास पैलेस। और जो भी पैलेस है उनको एजुकेशन में कन्वर्ट किया है, एक जो डिफेंस वाले को दिया है, दूसरा प्रताप पैलेस रेलवे स्टाफ कॉलेज को दिया है। देखो ये जो पैलेस के सामने देखिए ना, तो ये जो सभी धर्मों का मिश्रण है पैलेस का डिजाइन। आप फर्स्ट देखोगे ये मुगल स्टाइल है, फर्स्ट सेकंड है चर्च टावर, ये गुरुद्वारा, ये हिंदू शैली। क्या बात है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सयाजी राव का एक सूत्र था। ये गोल्फ एरिया है, कितने में हमारा पैलेस? 700 एकड़ में गोल्फ है। अभी 200 एकड़ डेवलपमेंट में चला, 500 एकड़ है, इसमें 10 होल का गोल्फ है। अभी मेरे को ये बताइए आप लोग कि लक्ष्मी विलास पैलेस सबको कैसा लगा? रेकमेंड करोगे कि जो टूरिस्ट आते वो देखने आए? 101% हमारा दूसरा स्पॉट, अभी हम आ गए वडोदरा के कीर्ति मंदिर में। देख लीजिए ग्रुप पूरा रेडी है, और यहाँ से मैं आपको बता दूँ कीर्ति मंदिर ब्यूटीफुल। और ये भाई हमको बताने वाले हैं कीर्ति मंदिर के बारे में। के राइट साइड में म्यूजियम है, भी वहाँ से जाएंगे, वहाँ से टिकट लेंगे, और फिर पूरा पिक्चर गैलरी एंड म्यूजियम यहाँ पे बड़ोड़ा पिक्चर गैलरी। 33 टिकट आप 3300 रुपया। हाँ, वीडियो उतरना यहाँ पे अलाउड नहीं है, पिक्चर गैलरी में म्यूजियम है।
तो भाई आगे का तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी, देख लो। तो गाइस हमारा म्यूजियम भी हो गया है, सबको बहुत अच्छा लगा है। तो बड़ौदा का वैसे भी म्यूजियम बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और अभी हम जाएंगे लंच के लिए, तो लंच में मैंने रखा है गुजराती थाली, क्योंकि वो मराठी है, महाराष्ट्र से आए हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम हमारा जो कल्चर है गुजराती थाली उनको खिलाएं। अभी सब थक गए हैं गर्मी से, बॉम्बे में ज्यादा गर्मी है कि बड़ौदा में ज्यादा गर्मी है वो तो रिव्यू दीजिए मेरे सभी व्यूवर्स को। यहाँ पे ज्यादा गर्मी लग रही है ना। तो रस थाल में हम बैठ गए हैं और सबसे पहले हमको दी गई है देखो छाछ। ये सीरियसली चाट बहुत मस्त है, गर्मन दम गई है। तो जो दर्पण अहिया एकली जमे छे, मावा बर्फी, कीवी का हलवा और रस, कैसा लगा खाना? मस्त। आपने पहली बार गुजराती ट्राई किया, कैसा लगा? एकदम अच्छा, मस्त लगा खाना खा के, मौके हमको खुश हुआ, खुश हुआ। अच्छा लगा ना सर? सर आपको कैसा लगा गुजराती खाना? बढ़िया। अच्छा लगा? अच्छा बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगा? एक नंबर, एक नंबर। अभी कोई उठाने वाला होएगा तो देखो नीचे, इतना लाइट हो गया खाना। अच्छा थैंक यू। हम आ चुके हैं बड़ौदा की लोकल मार्केट और बस अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे। मैं हूँ अभी जुबेली बाग पे और अभी मैं लेके चल रही हूँ नवा बाजार। चलो तो ग्रुप अपना देख लो, इधर आ चुका है। ये बताना ड्रेस मटेरियल एंड ड्रेसेस में बदू जो ये आया दी है नाम पर। हां तो एज को आज खांचा में थे हम मिस्त्री। चलिए इधर मेरे साथ चलो। चला देख लो, सबके हाथ में बैग रहेगी। हम लोग आगे हैं। क्या लिया? ये लिया ड्रेस मटेरियल। अच्छा ड्रेस मटेरियल लिया, ओके। आपने क्या लिया? ड्रेस मटेरियल। ड्रेस मटेरियल ही लिया सबने, ड्रेस मटेरियल। फिर अच्छा बाटिक की ड्रेसेस और यहाँ पे और लोग शॉपिंग करते हैं। ये देख लो बाटिक के, जो बाटिक के बेडशीट है सभी 700 रुपए की है। कलर दूसरा होगा। सो गाइस तो बहुत सारी शॉपिंग हमने अरिहंत में से कर ली है, आप मेरे पीछे जैसे देख रहे हो। ग्रुप को बहुत अच्छा लगा यहाँ का कलेक्शन। गुड मॉर्निंग, और आज डे टू है और बस अभी ग्रुप को लेके हम चल रहे हैं स्टैच ऑफ यूनिटी। तो बड़ौदा में कल अच्छे से साइट सीन भी हो गए, सबको बहुत मज़ा आया। रात को भी ग्रुप ने बहुत ही धमाल करी और सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, अंताक्षरी खेली, फिर गरबा करे और बहुत धमाल करी। और अभी आज डे टू है, बस ब्रेकफास्ट कर रहा है ग्रुप अंदर, अंदर चलते हैं और बस डायरेक्ट यहाँ से हम जाएंगे स्टैच ऑफ यूनिटी। दर्पण ज्वाइन हो गई हमारे ग्रुप में। बड़ौदा में क्या अच्छा मिलता है तो जगदीश में लेके आए कि जगदीश की भाखरवड़ी, फिर लीलो चिवड़ा, वो बहुत फेमस है। तो वो लोग अभी देख लेंगे, शॉपिंग करेंगे। ये देखो ये भाखरवड़ी है, ये भाखरवड़ी है, ये भी फेमस है। ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है टेस्ट के लिए। हाँ ये टेस्ट के लिए, आप टेस्ट करो। सुबह लाया था यही था ना? नहीं लीलो चिवड़ो, लीलो चिवड़ो मैंने सुबह में ये रहा, लीलो ये वाला। भैया इधर रहो, सबको बताओ। तो देख लो भाई ग्रुप कर रहा है शॉपिंग, शॉपिंग देख लो। हम बास्केट हंसे इधर, भैया बास्केट दे दो ना। चलो तो लीलो चिवड़ो टेस्ट के लिए नहीं है वो, तो खत्म हो गया होगा। भैया लीलो चिवड़ो टेस्ट मत आने दो ना।
सब ग्रुप बहुत अच्छे से जगदीश मुझे शॉपिंग कर रहा है, बड़ोड़ा आए हैं, तो उसको जो फेमस है ना कि क्या फेमस यहाँ पे मिलता है तो मैं जगदीश में लेके आई हूँ। तो बस दर्पण आपने शॉपिंग बहुत कर रहे हैं आपने थेपला हूँ। तो गाइस देख लो यूनिटी विलेज रिजोर्ट कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा, बहुत ही अच्छा, मस्त लग रहा है। अभी आप टेंट में जाइए। सो गाइस, तो देख लीजिए, जैसे ही आप अंदर आते हो गार्डन एरिया ही इतना बड़ा है, और जो गार्डन एरिया है उसके नियर बाई आजू बाजू में ही टेंट है, स्विमिंग पूल है, सब भी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करना है तो भी बेस्ट ऑप्शन है। वडोदरा के नियर बाई अगर आप रहते हो तो यहाँ पे अगर वन नाइट स्टे के लिए आना है तो भी यार बेस्ट ऑप्शन है। आप खाली पीछे देख लीजिए, माउंटेन व्यू टेंट है, आप देख लीजिए। दर्पण बताइए। बताइए कि मेरा और दर्पण का ट्विनिंग कैसा लग रहा है? बाटिक की कुर्तियां जो हमने साथ में पहनी है, कोइंसिडेंस लेकिन ट्विनिंग हो गया। नहीं तो कैसा लग रहा है वो भी बताइए, ठीक है? और अभी मैं आपको पैकेज के डिटेल बता रही हूँ, अभी जब तक ग्रुप अभी आता है तब तक मैं पैकेज की डिटेल आपको बता दूँ। तो ये पैकेज जो मैंने किया है वो है पर पर्सन 8000 का, उसमें 2 नाइट 3 डेज का मैंने स्टे दिया है। 1 नाइट मैंने दी थी वडोदरा, फिर 1 नाइट मैंने दी थी स्टैचू ऑफ यूनिटी यूनिटी विलेज रिसोर्ट, जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे स्टे दिया है। और इसमें सब भी कुछ इंक्लूड है, उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट्स, 2 नाइट का स्टे, फिर बस। अगर आपको भी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बेस्ट पैकेज चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, वहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको बेस्ट पैकेज देंगे। क्योंकि सबका ग्रुप अलग अलग रहता है तो प्राइस भी अलग अलग रहती है। यूजुअली स्टैचू ऑफ यूनिटी के पैकेज मेरे पास जो है वो स्टार्ट होते हैं 3500 से स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर यूनिटी विलेज में स्टे आ जाता है, आपका ब्रेकफास्ट आ गया, डिनर आ गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट्स आ गए। तो बस कॉन्टेक्ट कीजिए हमको, बेस्ट टू बेस्ट पैकेज हम आपको देंगे। ग्रुप पैकेज हो गया, कॉरपोरेट पैकेज हो गया, फैमिली पैकेज हो गया, अगर आप स्टूडेंट पैकेज चाहिए तो सभी टाइप के पैकेजेस आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के मिल जाएंगे विद साइट सीन। अच्छा, लंच अच्छा लगा आपको? लंच अच्छा लगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के मेन पार्किंग में, और यहां से हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। एकता मॉल जाना था लेकिन फिर वो हमने कैंसिल किया क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया, 4 बजे का स्लॉट था, इसलिए डायरेक्ट हम यहां पे आ गए। और देखिए यहां पे ग्रुप परचेज कर रहा है, कैप परचेज कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, और दर्पण भी कैप ले रही है। हाँ बस बराबर, ब्लैक ले लें, ब्लैक थी अच्छा सारी लगे, तुम्हारों का कलर ले भैया, एक मारी भेजी आपको સારું લાગે છે ભાઈ, બ્લેક નથી, શું કરવું છે? આ તો આમ તો નહીં, સારું છે, ચલો એક ગ્રુપ ફોટો યાર, કપલ કપલ કાઢા પહેલે, નહીં નહીં સર, અંદર જાયેંગે, વ્યૂઇંગ ગેલેરી મે જાના હે ના, ઓકે ઓકે। पहुंच गए वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और देख लो यहां से व्यू। फर्स्ट टाइम सब स्टैचू आए हैं तो बहुत एक्साइटेड हैं सब, और यहां पे देख लो आपको फ्री रिफिल ड्रिंकिंग वाटर। कैसा लगा सर ऊपर का व्यू? बहुत 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 अच्छा, एकदम एक्सलेंट, एकदम मजा आया। अभी तो पूरा घूमिए। अरे वाह, पैर है पाया से। हाँ तो अभी आप स्टैचू के पैर के पास हो, अभी नाखून के पास भी नहीं हो। कैसा लगा स्टैचू यहाँ से? इट्स अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस।
रियली यार अमेजिंग। 22 फीट से जो व्यू आता है ना, और वो भी 6 बजे के आसपास सनसेट जब होने पाता है तब जो व्यू आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। आप भी जब भी स्टेचू आए ना तो 4 से 6 का स्लॉट। बहुत बड़ा ग्रुप है अहमदाबाद से, उनसे ना 99% डील हो चुका था हमारे एक ग्रुप का। अच्छा। एक तक का कुछ बाकी था ऐसे अनु बोलने में, मैं बोला थोड़ा मुझे 2 दिन का समय दे दो, इतने में मैंने वीडियो पे आपका नाम देखा। अच्छा। और आपसे कांटेक्ट किया क्योंकि हमारे लिए अननोन प्लेस है, लेकिन आप जो बारीकी से एक एक बात का ख्याल रखती हो ना, वो मुझे भी इतना अच्छा लगता है कि यार मैं बताऊँगी यहाँ पे इतना अच्छा है। गुजरात में भी अभी इतना डेवलपमेंट हो गया है, प्राउड फील कर। सो गाइस देख लीजिए पीछे ग्रुप आ रहा है और सबका स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया व्यूइंग गैलरी, सबको बहुत अच्छा लगा है। अभी हमारा है लेजर शो, लेजर शो के बाद हम करेंगे नर्मदा आरती। तो आज डे 2 हमारा फिर यहाँ पे ही है, और स्टे हमारा है यूनिटी विलेज में, डिनर वगैरह सभी कुछ वहीं पे है। वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में वीडियो सुबह की जगह, सुबह भी इधर ही नहाइएगा। सो गाइस तो गुड मॉर्निंग, आज ग्रुप ट्रिप का हमारा 3रा दिन है, और बस देखिए यूनिटी विलेज से हम चेकआउट कर रहे हैं, और अभी हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के अट्रैक्शन देखने, जंगल सफारी, मेज़ गार्डन, बस टूर, ये सब करना है। फिर दोपहर के लंच के बाद हमारा है पोईचा, और फिर एकता नगर रेलवे स्टेशन पे उनका ड्रॉप है। तो बस रेडी मैं और दर्पण दोनों। तो अभी बाहर का एटमोसफियर भी आप देख लो, अभी 8:30 बजे। यूनिटी विलेज सबको कैसा लगा? राजो राजो बहुत अच्छा लगा। हां बहुत अच्छा, इसका रिव्यू थोड़ा शेयर कीजिए, मींस के अच्छा लगा ना, सर्विस वगैरह सभी कुछ, फूड हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है। अच्छा फूड का कैसा रिव्यू है? बहुत अच्छा था, एकदम एक नंबर। देख लीजिए हमारी लेडीज गैंग आ रही है। यस चलिए बड़ा 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 योगी लाल है। हाय बाय, क्या हाय, अभी जाना है, अभी अट्रैक्शन आपको देखना है, बस यही बस में देखना है, और ये जो सर्विस है वो फ्री है। तो हमारी जंगल सफारी की ट्रिप स्टार्ट हो रही है, और देख लीजिए अभी गर्मी है ना तो सभी जगह ई बैटरी कार सर्विस दे रही है, कि वन डेस्टिनेशन टू हाँ આ ગરમી ના લીધે અત્યારે અહીંયા થી ઈ બેટરી કાર સર્વિસ છે, બહુ નાઇસ સરસ સરસ કર્યું હા ઓમે, ગરમી ને લીધે લોકો નતા આવતા, હવે આવશે કઈ રીતે ગ્રુપે 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 अभी अच्छा कर दिया है ये गर्मी की वजह से, देखो हमने तो इतना चलना था, उन्होंने बैटरी कार सर्विस स्टार्ट कर दी है। नया हुआ है देख लीजिए, इसमें सभी लाइव बर्ड है, और ऊपर से कंटिन्यूस पानी आ रहा है ताकि जो भी बर्ड वगैरह है ना उन लोगों को गर्मी ना लगे। तो यार इतने अच्छे से बहुत मेंटेन करके रखते हैं। चलिए वो चल के जाना है अगर चलना है तो, लेकिन ऊपर से पानी आएगा। जंगल सफारी के बाद अभी हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन है भूल भुलैया मेज गार्डन, जो नया अट्रैक्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, अभी 1 साल ही हुआ है उसको, तो बस वही हम देखेंगे। भूल भुलैया में आप देखोगे कि जो श्री यंत्र होता है हमारा
उसके बेसिस पे पूरा गार्डन बनाया गया है बहुत बड़ा। तो देख लीजिए अभी हम पहुंच गए भूल भुलैया मेज गार्डन। तो देख लो मेज गार्डन में सब एंट्री हो चुके हैं और यहाँ पे अभी होगी डॉक्यूमेंट्री मूवी स्टार्ट मेज गार्डन की। सब तैयार हैं इस अनोखी भूल भुलैया को चुनौती देने के लिए। अभी तक आप सबने बहुत मजे किए होंगे हमारे महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की। थोड़ी आपको एनर्जी दे रहे हो खिला खिला के आप घूम पाओ। आप ऐसा मत बोलो कि अभी यार अभी हम थक गए अभी लंच लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं अभी की टेबल के ऊपर सब हो गया ऐसा नहीं है। इतना कॉल घूमेंगे फिर लंच लेंगे। ओके मैडम। ओके मेरे व्यूअर्स को बता दूं हम अभी है सभी ग्रुप के साथ में बस टूर में। जो ये बस टूर है वो 18 पॉइंट घुमा दी है और बैठे बैठे ही सभी कुछ पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको घुमा दिए। तो मैं अभी ग्रुप के साथ में घूम रही हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की सर्कुलर बस टूर। yes. और अभी हम सबको खिलाएंगे थेपला। yeah. आधी बस टूर ही हमने करी है और अभी हम आ चुके हैं एकता मॉल क्योंकि सबको शॉपिंग करनी है टाइम फिर कम ही है। तो अभी कल से सबको शॉपिंग करनी है तो अभी मैं लेके आई हूँ एकता मॉल। एकता मॉल में बहुत अच्छा शॉपिंग पॉइंट है अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और दर्पण सबको लेके आ रही है। यस और दर्पण जीरा लाई है मेरे लिए ला पकड़ दो थोड़ा। चलो बस अभी यहाँ पे लगभग 10 से 15 शॉप है और सभी जो इंडिया के जितने भी स्टेट है सबकी अलग अलग सभी की हैंडीक्राफ्ट की शॉप है। ओके तो बराबर ये नीचे भी है और फर्स्ट फ्लोर पे भी है। ओके अभी आप अपनी तरह घूमिए एक डेढ़ घंटे में हम जाएंगे हमारे बस में एक भी लगा। ओके बराबर है अभी आपको जो भी लेना है यहाँ पे सभी कुछ मिलेगा। एसेसरीज मिलेगी ज्वेलरी मिलेगी साड़ी साड़ियाँ फिर ड्रेस मटेरियल सभी कुछ हैंडीक्राफ्ट का मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लो वास के टूथब्रेस्ट उलिया ये सभी कुछ 50 रुपीज़ 80 रुपीज़। यहाँ पे देख लो कॉम ये सब भी कुछ वास के मिलेंगे। ये जितने भी पर्सेस हैं ना सबके ऊपर 40% डिस्काउंट है मैं 40% डिस्काउंट है। देखो इस टाइप के बैग भी है। हाँ जो देख लो इस टाइप का आएगा 120 रुपए का है लेकिन थोड़ा एंटीक है। सबके दर्शन हो गए बहुत अच्छे से पोईचा में और बस ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। बस उनका ड्रॉपिंग है एकता रेलवे स्टेशन पे। तो कैसा लगा आपको ये ट्रैवल व्लॉग कमेंट्स कीजिएगा मुझे और बस कुछ भी इंक्वायरी है स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी के रिगार्डिंग वन डे ट्रिप या फिर फैमिली ट्रिप कॉरपोरेट ट्रिप तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो चलिए ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।